वेलकम टू लर्निंग इनसाइट। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से वैकेंसी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया जॉब लोकेशन रहने वाला है आपका। मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपका जो मंथली सैलरी रहेगा वो आपका 1.8 लाख रहेगा। यहाँ पे जो एनुअली सैलरी दिया जाएगा वो आपका 26 लाख आपको एनुअली दिया जाएगा पर ईयर। तो इस हिसाब से लगभग आपका 1.8 लाख मंथली सैलरी होगा। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए क्योंकि अगर एक बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर लेते हैं तो उसका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो वो आपके लाइफ में काफ़ी वैल्यू रहता है दूसरा जॉब सिलेक्शन के लिए। एंड यहाँ पे क्या होता है, अगर एक बार आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में भी कर रहे हो तो नेक्स्ट जॉब जो निकलता है, जो वैकेंसी आता है, वो उसमें आपका इजीली सिलेक्शन हो जाता है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा हो। ठीक है, सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वैकेंसी जो है ये IELO से, यहाँ पे देख सकते हो नेशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए वैकेंसी है, न्यू दिल्ली जॉब लोकेशन है, टेम्पररी पोस्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे क्लिक करने से आपको, यहाँ पे क्लिक करने से आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लूँगा, बट आप शॉर्ट में देख लो, अगर आप एलिजिबल होते हो देन अप्लाई करो। ठीक है, मैं शॉर्ट में डिस्कस कर लूँगा। यहाँ पे नेशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए वैकेंसी है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे जो स्टार्ट डेट है, पब्लिकेशन हुआ 3 जनवरी को ये एडवर्टाइजमेंट निकला है, एंड इसका लास्ट डेट जो है वो 17 जनवरी है, 17 जनवरी 2024। ठीक है, ये देख सकते हो, तो यहाँ पे आप डिटेल्स है, न्यू दिल्ली जॉब लोकेशन रहेगा, कॉन्टैक्ट पीरियड जो है शॉर्ट टर्म के लिए है, 10 मंथ्स के लिए फिलहाल जॉब है, बाद में एक्सटेंशन भी होगा, डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड ऑल। ठीक है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बोल दिया गया। आपका सैलरी जो रहने वाला है यहाँ पे, हाँ सैलरी यहाँ पे देख सकते हो, तो आपका 26,13,125 रुपीस इंडियन सैलरी रहेगा ईयरली। ठीक है, तो सैलरी आप काफ़ी हाई है, यहाँ पे मैंने बोल दिया ऑलमोस्ट 1.8 लाख आपका मंथली सैलरी और रहने वाला है। ठीक है, ईयरली आपको 26 लाख मिलेगा। ठीक है, अभी बाकी डिटेल्स आप लोग देख लेना, लेकिन इंपॉर्टेंस, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका डिस्क्रिप्शन में ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा। मोस्टली ऑनलाइन इंटरव्यू होता है इनके सिलेक्शन के लिए, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को। तो अभी सभी मास्टर डिग्री ऑलमोस्ट एलिजिबल हो रहा है, यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए लेकिन। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यूनिवर्सिटी डिग्री इन इंजीनियरिंग, हेल्थ साइंस रिलेटेड डिसिप्लिन, सोशल साइंस, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर रिलेवेंट फील्ड। तो सोशल साइंस में MSW, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस सभी आ रहा है। हाँ ठीक है, बट आपको एक्सपीरियंस जो चाहिए, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए प्रोजेक्ट रिलेटेड, या तो NGO, या तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या तो नेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, देन आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अभी स्पेसिफिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने काम किया तो उसको जल्दी प्रेफरेंस मिलता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप 3 मंथ शॉर्ट पीरियड के लिए भी काम करते हो, 6 मंथ के प्रोजेक्ट भी काम करते हो, अगर ना आपका पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, तो आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटीज रह जाते हैं दूसरे इंटरनेशनल जॉब सिलेक्शन के लिए। ठीक है, लैंग्वेज आपको हिंदी इंग्लिश आना चाहिए। ठीक है, लोकल लैंग्वेज आने से अच्छा है, न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में हिंदी से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, सो बाकी इंपॉर्टेंट कुछ इतना डिटेल्स नहीं है, बट जो अप्लाई का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करने से आपको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी हाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करने से आप अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई नाउ आपको मिल जाएगा, अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, करने से आपको फॉर्म मिल जाएगा ना, आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर देना। ठीक है।